हे ट्रेडर्स, राम राम। वंस अगेन वी आर बैक इन द न्यू वीडियो। सो ट्रेडर्स, जैसे कि आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोई पावरफुल स्ट्रेटजी बताओ जो वर्क करे ओटीसी मार्केट पे, ठीक है। तो आज ये ओटीसी मार्केट के ऊपर अपन ट्रेड्स करने जा रहे हैं गाइस। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ओटीसी मार्केट दिख रही होगी। एक सेकंड, मैं हाईलाइट आप लोगों को क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। जैसे गाइस आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, आपको ओटीसी मार्केट यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो ये जो स्ट्रेटजी अपन यूज करने जा रहे हैं गाइस, ये अपना ओटीसी मार्केट के लिए। ओके, आप रियल पे भी यूज कर सकते हो, बट अभी ओटीसी मार्केट चल रहा है तो हम ट्राई करेंगे ओटीसी मार्केट पे यूज करने के लिए। ओके, एंड मैंने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पिक किए गाइस, जिसपे आप बोल रहे हो कि सर कोई एक दो नहीं बल्कि तीन चार स्ट्रेटजी एक साथ अप्लाई करके बताओ, ठीक है। तो गाइस ये जो वीडियो बनने जा रही है ना, ये बनने जा रही है ट्रिपल लेयर के बारे में। ओके, अब ये ट्रिपल लेयर क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, ये टू जेड आपको वीडियो पे आगे पता चलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने जा रही है वीडियो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग गाइस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है मेरे पब्लिक ग्रुप पे। अगर आप पब्लिक ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो आप बहुत बड़ी अपडेट से पीछे हो, तो प्लीज आप सबसे पहले तो पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर ले। यहाँ पे गाइस मैंने एक ट्रेड ओपन करा है $500 का। ये मैंने कोई स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं करा गाइस, मैंने जस्ट ये देखते हुए ट्रेड ओपन करा कि कैंडल और जो जिगजैग लाइन है वो एक साथ फॉर्म हो रही है। आप लोग को भी पता है कि अगर आप पब्लिक ग्रुप से ज्वाइन हो तो वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल स्क्रीन शॉट्स और वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ, ठीक है। और इसके बारे में तो गाइस मैंने बहुत सारे रील्स बना के अपलोड किए, आप वो चेक नहीं किए तो जाके चेक कर सकते हो। ओके, एंड इसे अपन गाइस कर देते हैं यहाँ से सेकंड, और टाइम वगैरह अपन सब चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद अपन गाइस स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस बिल विलियम्स फैक्टर को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से जो हमारा जिगजैग का जो डिप्थ है गाइस उसे भी अपन चेंज करेंगे। अपन करेंगे गाइस इसे फिफ्थ पे, और जो इसका डाइवेशन रहेगा गाइस वो रहेगा अपना 4। ओके, पैराबोलिक चेक करते हैं गाइस। पैराबोलिक 0.02 बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बट इसे गाइस अपन करेंगे 0.04, बिकॉज ये हमारा ओल्ड स्ट्रेटजी हो गया गाइस, ये बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है, ठीक है। हम बहुत दिनों से इसी पे अटके हुए हैं, तो इसे अपन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले गाइस मैं आपको ले जाना चाहता हूँ हमारे वीआईपी सेशन के रिजल्ट्स, जहाँ पे गाइस आप यहाँ पे चेक करते हो हमको एक $500 का लॉस हुआ। ओके, उसके बाद गाइस अगर आप हमारे पब्लिक ग्रुप से ज्वाइन है तो आपको पता ही होगा कि जब भी हमारा लॉस होता है गाइस तो हम फॉलो करते हैं स्टेप टू। अगर यहाँ पे हमारा लॉस होगा तो स्टेप टू फॉलो करेंगे। मैं आपको स्टेप टू का लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे क्या यूज करना रहता है, ठीक है। बिल विलियम्स फैक्टर यहाँ से हमने हटा दिया, हम अभी यूज करेंगे 3 इंडिकेटर। एक कौन सा इंडिकेटर रहेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो विदाउट मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं गाइस ट्रिपल लेयर के बारे में। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या रहेगी। तो गाइस जैसे कि फर्स्ट आप तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि हमको $500 का लॉस हुआ था, देन उसके बाद गाइस हमने क्या करा, हमने यहाँ पे $2000 का हमने ट्रेड ओपन करा 3, ठीक है। उसके बाद गाइस हम फिर से हमारे ओरिजिनल अमाउंट पे आ गए जहाँ से हमको ट्रेड ओपन करना था $500 का। तो सबसे पहले तो गाइस आप ये जान लो कि जब भी आप ट्रेड ओपन करो ना तो अपना अमाउंट सेट करके रख लो, ठीक है। एंड यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि ये स्टेप टू क्या है, व्हाट इज स्टेप टू। तो स्टेप टू मतलब ये है गाइस कि सपोज अपने को लॉस हो गया समथिंग, $500 का लॉस हुआ, यहाँ पे मैंने अमाउंट सेट करा है $1000 का। अब ये जरूरी नहीं गाइस कि आप सेम करेंसी पे ट्रेड ओपन करो या फिर सेम ड्यूरेशन टाइम पे ट्रेड ओपन करो, ये जरूरी नहीं। यहाँ पे गाइस आप चेक कर रहे हैं कि मार्केट अपवर्ड है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड फॉलो कर रही है, तो यहाँ से मैं ट्रेड ओपन कर सकता हूँ अप के लिए, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं। बिकॉज गाइस यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, ये इसने अपने सपोर्ट को टच करा, बट ये कुछ इस प्रकार का ट्रेड ओपन कर रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड है, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो 1 मिनट का ट्रेड ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। और जहां तक मुझे लग रहा है गाइस ये अपना रेजिस्टेंस इसे बनाएगी, ठीक है। सपोर्ट तो इसने ऑलरेडी डाउन पे बना दिया है, अभी एक सपोर्ट इसका यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो कोई गुंजाइश नहीं कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, जैसे कि मैंने बोला है, हो सकता है, फुल चांस है कि ये मार्केट अपना जो रेजिस्टेंस है वो इसे बनाए। ओके, हो सकता है कि मार्केट अपना रेजिस्टेंस इसे बनाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि रेजिस्टेंस ये इसे बना सकते हैं, और यहाँ से मार्केट इसे ब्रेकआउट करके गाइस अप ट्रेंड को फॉलो करेगी, ठीक है। तो इस पर अपन ट्रेड्स ओपन नहीं करेंगे, हम किसी ऐसे करेंसी पेयर को सेलेक्ट करेंगे जहां पे हम स्टेप टू को फॉलो कर पाए, ठीक है। अब कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर जैसे कि हमें ये तो पता चल जाता है कि यूरो यूएसडी ये सब में अपन ओटीसी मार्केट चल रहा है, बट अपन क्या कॉमोडिटी कंपोजिट में भी चलता है। तो मैं बता दूं, कॉमोडिटी कंपोजिट हो गया, जितने भी एशियन कंपोजिट, जितने भी इंडेक्स फंड हो गए गाइस, एंड जो भी आपको दिखता है सैटरडे संडे जो भी आपको दिखता है एसेट, उसमें ओटीसी मार्केट फॉलो की जाती है, ठीक है ना। वो रियल मार्केट नहीं रहती गाइस, आपको जो भी दिखता है उस पर ओटीसी रहता है, ठीक है।
एंड जैसे कि आप लोग को भी पता है कि सबसे ज्यादा मैं ट्रेड्स ओपन करता हूँ गाइस एशियन कंपोजिट इंडेक्स पे। बट सबसे पहले अपन यहाँ पे ट्रिपल लेयर का जो तीसरा अपना स्ट्रॉन्ग है गाइस उसे अपन यूज करेंगे। सो अपन चले जाते हैं इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे। ओके ओके सो गाइस हम यहाँ पे यूज करेंगे गाइस RSI। ओके एंड RSI की सेटिंग मैं सेम ही रखूंगा गाइस, बस इसकी डिप्थ को मैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग करूंगा। इसे अपन कर देते हैं इसे ग्रीन पे। ओके ओके फाइन। सो लेट्स सी, ये तो गाइस अभी हमारी लॉस पे चल रही है, बट वेट अपन बैक करेंगे अभी मार्केट पे एंड ये अप ट्रेंड फॉलो करेगी गाइस। आई एम 100% श्योर, बिकॉज आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि RSI भी आपको इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग दे रही है अपवर्ड के लिए। बट चेक करते हैं कि होता है कि अभी हमारे पास 35 सेकंड लेफ्ट है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो अपन इसको टाइम नहीं देंगे, अपन इसे क्लोज करेंगे एंड किसी और करेंसी पेयर पे देखेंगे। जैसा कि अपना एशियन कंपोजिट इंडेक्स आप लोग को भी पता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड्स अपन इस पे ओपन करते हैं, ठीक है। कई लोग ये गलती करते हैं गाइस, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एशियन कंपोजिट इंडेक्स चेक कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को एक बोनस टिप दे रहा हूँ, एवरी सिंगल मेंबर इसे फॉलो करेंगे बोनस टिप को, ठीक है। क्या है सुन लीजिए, मार्केट में आपको वो नहीं, मतलब मार्केट में आपको ये चेक करना है गाइस कि मार्केट आपको क्या दिखा रही है, आपको इमेजिन नहीं करना है। कई लोग ये इमेजिन करते हैं कि मार्केट यहाँ से पक्का डाउन जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से पक्का अप जाएगी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है गाइस। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं RSI आपको थोड़ा सा अप के लिए ट्रेड दे रही थी, ठीक है। यहाँ से मैं डाउन की ट्रेड ओपन करने वाला था बट मैंने किया नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस पे बताया गाइस कि जब भी पैराबॉलिक कैंडल एंड जिगजैग एक दूसरे के नजदीक हो तो आप वहां से समझ जाना कि जिगजैग पैराबॉलिक एंड कैंडल एक दूसरे को क्रॉस करेगी और वहां से वो डाउनवर्ड के लिए 1 से 2 मिनट का जो ट्रेड है, जो पैटर्न है उसे फॉलो करेगी। तो आप क्या करते हो गाइस, आप इमेजिन कर लेते हो, ठीक है ना, कि यहां से मेरे को थोड़ा सा अप का दिख रहा है तो यहां से मार्केट अप जाएगा। जैसे कि आप यहां पे चेक कर पा रहे हैं गाइस, यहां पे आपको अभी भी RSI अप के लिए दिखा रही है, ठीक है ना, अप के लिए सिग्नल दिखा रही है उसकी मूवमेंट। तो आप क्या करोगे, आप अपकी ट्रेड ओपन करोगे, जैसे कि मैंने बोला जिगजैग कैंडल एंड पैराबोलिक ये तीनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, यहां पे इसने एक दूसरे को क्रॉस किया, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, जब भी आप मार्केट में बैठो तो आपको इमेजिन नहीं करना है कि मार्केट आपको ये दिखा रही है, मतलब मार्केट आपको जो दिखा रही है, जो कैंडल आपको फॉर्म होती हुई दिख रही है उस कैंडल के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, ना कि आप इमेजिन कर रहे हो कि हाँ अगर ये डाउन हो गया तो अब नेक्स्ट कैंडल ये जाएगा तो अपन ऐसा ट्रेड ओपन करेंगे, ना। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो गाइस, यहाँ पे मेरा ट्रेड विन हुआ, $920 का अपने को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, $420 का अपने को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अपन अपने रियल अमाउंट पे आएंगे 500 पे, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने गाइस मेरी चैलेंजिंग वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके चेक कीजिए, जहाँ पे गाइस हमने 1000 को 3600 रुपए के अराउंड बनाया एंड उसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, आप जाके वहां पे कमेंट कीजिए, ठीक है। यहां से गाइस मैं ट्रेड ओपन करने की सोच रहा हूं, बट ये मार्केट मेरे को उतना ज्यादा खास नहीं लगी, अपन किसी और करेंसी पीरियड पे जाएंगे, ठीक है। तो अरेबियन जनरल इंडेक्स पे चेक करते गाइस, यहाँ पे हमने ट्रेड ओपन करा गाइस $500 का एंड मैं कंफर्मेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, अभी इसने RSI पहले देखते हैं गाइस, अभी इसने 50 के लाइन को क्रॉस नहीं करा, ठीक है ना। जब भी गाइज आपको अप ट्रेड लेना है तो आप ये चेक कीजिए कि इसका जो मार्केट है, जो RSI का, सिर्फ अपन RSI की बात कर रहे हैं, ये गाइस अपना हो गया 50 लेवल, ओके, एंड गाइस ये हो गया अपना 30 लेवल एंड ये हो गया गाइस अपना 70 लेवल। तो जब भी चार्ट ऐसे फॉर्म हो रही है गाइस तो आप ये चेक कीजिए कि वो क्या करेगी, वो 50 को टच करने वाली होगी और वहां से डाउन क्या आएगी। अगर आप अप ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा रुकिए और 50 को क्रॉस होने दीजिए, अगर 50 क्रॉस करती है देन आप वहां से ट्रेड ओपन कीजिए अप ट्रेड के लिए, ठीक है। आप यहां पे चेक कर सकते हैं, मैंने यहां पे डाउन की ट्रेड ओपन करी, ठीक है, इसने अभी भी 50 को इसने 50 को क्रॉस नहीं करा है, ठीक है। यहां पे कुछ भी हो सकता है गाइस, यहां पे मार्केट का फुल चांस है कि मार्केट डाउन आएगी, मार्केट करेक्शन दिखाएगी, मार्केट में मूवमेंट होगा, मार्केट डाउन आएगी, सेलर्स यहां पे जोन पे आएंगे। और अगर आप दूर से भी देखोगे गाइस, चार्ट को जूम आउट करके भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो जोन पे है, ओके। सो थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट करती है, ओके। अभी भी 40 सेकंड लेफ्ट है गाइस, मैं चाहूँ तो इसे $155 पे सेल आउट कर सकता हूँ, बट नो, अपन ने ट्रेड ओपन कर दिया तो देखते हैं कि क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, क्योंकि 30 सेकंड अभी भी लेफ्ट है एंड अगर इसने 50 को क्रॉस कर दिया तो फिर मैं इसे क्रॉस करूंगा एंड मैं इसे सेल आउट कर दूंगा, अगर
$20 पे भी होगा, जितने पे भी हो, अभी 5 हो गया तो फिर छोड़ देते हैं इसे। अपन यहाँ पे $1000 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला गाइस कि अगर ये 50 को क्रॉस करेगी देन आप यहाँ से ट्रेड ओपन कर सकते हो अप के लिए। ओके, सो मैं ऐसे ही करता हूँ कि अगर इसने 50 को क्रॉस करा जरा सा भी, या फिर ये थोड़ा सा भी डाउन आया अपने शेडो तक, तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड ओपन करूंगा अप के लिए। बट मैं यहाँ पे लेट हो गया गाइस, फिर भी मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा। यहाँ पे मैंने $1000 का ट्रेड ओपन कर दिया है, जो $500 का हमारा ट्रेड है गाइस वो हमारा लॉस हो रहा है, हो गया। बट जो हमने $1000 का ट्रेड ओपन करा है गाइस वो हमारा प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि यहाँ पे 50 को अगर ये क्रॉस करती है तो अपन ट्रेड ओपन करेंगे। यहाँ से गाइस मैं 1 मिनट की भी ट्रेड ओपन कर सकता था, ठीक है, बट आप लोग को दिखाना है और आप लोग को समझाना है, तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट की ट्रेड ओपन करी, ठीक है। कई लोग ये बोलते हैं गाइस कि स्टेप टू फॉलो करो, जिस डायरेक्शन पे आपने ट्रेड ओपन करा सेम डायरेक्शन पे सेम डबल अमाउंट से सेम टाइम का ट्रेड ओपन कर दो, तो ये गाइस आप लोग को गलत नॉलेज दी जा रही है। ओके, आप यहाँ पे चेक कीजिए, मैंने आप लोग को बोला कि जब भी ये जो RSI की लाइन है, ठीक है ना, RSI की लाइन है वो जब भी क्रॉस करेगी 50 को उसके ऊपर जाने के लिए, तो अपन वहां से ट्रेड ओपन करें अप के लिए, ठीक है। ये मत देखिए कि मार्केट ने आपको पीछे क्या दिखाया, मैंने आपको एक वीडियो पे और बताया था गाइस कि सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि प्रीवियस कैंडल कौन सी फॉर्म हुई। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या था गाइस, ये कैंडल, ना कि ये कैंडल, ठीक है ना। अपने लिए इंपॉर्टेंट था उसके पहले कौन सी कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है। कई लोग आपको ये नॉलेज देते हैं कि 5 कैंडल 6 कैंडल पहले देखो, ना, अपने को ये देखना था गाइस कि इसकी पहली कैंडल कौन सी फॉर्म हुई। ओके, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो गाइस, इसने अपने सपोर्ट को पहले तो फॉलो करा, फिर इसने अपने रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट किया। ओके, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। एंड गाइस, अगर आपने पब्लिक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां पे भी हम अभी सेशन स्टार्ट करने जाने, पिछले शुक्रवार फ्राइडे नाइट को अपन ने सेशन किया था गाइस शाम को 6 बजे, जो कि बहुत धमाकेदार गया था। हमने 4 सिग्नल आप लोगों को प्रोवाइड किया था, जहां पे हमारा 3 बैक टू बैक शॉर्ट शॉट विन हुआ था। स्टेप टू मैंने फॉलो करने के लिए बोला था, वहां पे भी तो आपका प्रॉफिट हो गया था अच्छा खासा। ओके ओके, सो गाइस यहाँ पे हमने 4 ट्रेड ओपन करा, 2 विन 2 लॉस। बट हमने क्या दिमाग लगाया, हमने सिंपली सा ये दिमाग लगाया गाइस कि हमने यहाँ पे जब भी लॉस हुआ हम डबल अमाउंट से ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, थोड़ा टाइम रुकेंगे, थोड़ा टाइम मार्केट को देंगे, ठीक है। जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे वहां से आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। RSI में गाइस आपको सिर्फ 2 लाइन पे ज्यादा फोकस करनी है। ओके, फर्स्ट लाइन है गाइस आपका 17, सेकंड है गाइस आपका 20, ठीक है। अगर इसके बीच में चल रहा है तो आपको ट्रेड्स लेने से बचनी है, और एंड अगर इसके अबव आ गया गाइस, जैसे कि ये 70 तक आ गया, तो फिर आपको ट्रेड ओपन करनी है। अपन प्रीवियस में देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो जैसे कि गाइस आप यहां पे चेक कर पा रहे हैं, ओके, तो अपन इसे लेंगे एंड इसे, आप यहां पे चेक कर पा रहे हैं गाइस, ठीक है। ये जैसे ही 70 के पास आया वहां से इसने ब्रेक डाउन किया, एंड ब्रेक डाउन करने के बाद आप चेक कीजिए कि मार्केट में कितना ज्यादा यहाँ पे उतार देखने को मिला अपने को। ओके, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज पे आपको फोकस करना है। अब अपन देखेंगे गाइस कि किसी और करेंसी पीरियड पे अपने को रिटर्न मिल रहा हो और जहां से अपन ट्रेड कर पाए जहां मार्केट स्टेबल हो, ठीक है। तो इसका बैक देखे गाइस तो फुल चांस है कि मार्केट अपना रेजिस्टेंस इसे बना सकती है, और इसने इसे बना भी दिया गाइस शायद। ओके, शायद इसने इसको रेजिस्टेंस बना दिया। अगर ये ब्रेकआउट करेगी तो फिर चांस, फुल चांस है कि मार्केट यहाँ तक सपोर्ट, यहाँ तक अपना रेजिस्टेंस लेके आए, ठीक है ना। तो आपको पिछला देखना है गाइस आपको मार्केट, तो 1 कैंडल 2 कैंडल पिछला मत देखो, आप पूरी चार्ट पिछला देखो कि कहाँ पे उसका सपोर्ट बना, कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस बना। तो अपन इस पे ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, मैं आप लोग को दिखाने के लिए गाइस किसी और करेंसी पेयर पे जाते हैं, USD OTC वाला करेंसी पेयर देखते हैं। ऐसा करेंसी पेयर देखेंगे जहाँ पे हमारा जो RSI है गाइस वो अपना स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ से गाइस मैंने ट्रेड ओपन करा, एक गलती ये हो गई गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि अपने को अपना अमाउंट अलग करना है, ठीक है, ये मेरी से गलती हो गई। ओके, एंड सेकंड गलती ये है गाइस कि इसने अभी तक 50 को क्रॉस नहीं करा, ये मेरी सेकंड मिस्टेक है, इसने अभी तक 50 को क्रॉस नहीं करा। ओके, सो आई विल एक्सेप्ट दिस, मैंने इसे एक्सेप्ट किया। बट देखते हैं गाइस यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है, अपने को प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे गाइस बैक टू बैक आप चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे बैक टू बैक 5 कंटिन्यूसली आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रही है, रेड कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, 5 बैक टू बैक रेड कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत कम चांसेस है कि इसका जो छठा जो कैंडल रहेगा वो रेड के लिए, ग्रीन के लिए जाएगा। ओके, बट वेट करते हैं गाइस,
अगर इस पे लॉस होगा देन अपन यहां से $2,000 का ट्रेड ओपन करेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो फिर कोई बात नहीं, जस्ट ये क्रॉस कर दे, क्रॉस कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा अपने लिए। जस्ट इस पे नजर रखिए गाइस, अगर क्रॉस कर दे तो बहुत बढ़िया। ओके सो गाइस, यहां से तो हम अपने से गलती हो गई, एंड यहां से मैं आपके लिए ट्रेड ओपन कर सकता हूं, बट वेट, अपन किसी और करेंसी पेयर पे जाएंगे, बिकॉज ये ओटीसी है, ओटीसी मार्केट गाइस आपको ललचाएगी, ठीक है ना, कि आप आइए मेरे साथ ट्रेड्स कीजिए और अपना पैसा कमाइए, बट अपने को उन सब चीज़ से बचना है। ओके एंड मोमेंटम देखते हैं गाइस कि क्या मिलता है अपन को, अगर गोल्ड ओटीसी पे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट नो, एथेरियम पे देखते हैं, यहां भी नहीं है, बेसिक अल्टकॉइन यहां भी नहीं है, यहां भी तो है बट ना अपन नहीं करेंगे। सो यहां पे मोमेंटम बढ़ रहा है, यहां पे मैं थोड़ा सा रिस्क लिया गाइस, $4,000 का मैंने ट्रेड ओपन करा है, थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया है यहां पे, चेक करते हैं इसे कवर अप करने के लिए, मैं एक मिनट की ट्रेड ओपन करूंगा रिस्क फ्री, क्योंकि गाइस इसे कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके तो ओके बट वेट करते हैं गाइस, कुछ भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, बिकॉज मैंने पहली बार इस एसेट पे ट्रेड ओपन किया। ओके जैसे कि मैंने बोला कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसे कवर अप करने के लिए गाइस मैं यहां से ट्रेड ओपन कर रहा हूं। मेरे पास जितने भी रिस्क फ्री ट्रेड्स हैं मैं उसे यूज़ कर लेता हूं, बिकॉज ये सब मेरी हेल्प कर सकती है इसे कवर अप करने के लिए। ओके मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया गाइस, बट वेट करते हैं गाइस, हो सकता है विन अपना यहां पे प्रॉफिट हो सकता है। सो नज़र रख लेते हैं गाइस, $2,000 की जो ट्रेड है अभी तो वो माइनस पे चल रही है, बट वेट एंड वॉच क्या रिजल्ट मिलता है अपने को यहाँ से। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड फ्री पे सेशन चाहिए गाइस तो आप हमारा VIP भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको VIP ज्वाइन नहीं करना है तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरा गाइस ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेड्स थी वो लॉस पे गई है, इट्स माय फॉल्ट। ओके सो गाइस यहाँ पे मैंने $1,000 ऐड कर दिया है, अब कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों के सामने मैं इसे कवर अप करूँ, बिकॉज ट्रस्ट तो खूब है अपने आप ऊपर, उसी के बदौलत मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, एंड लाइव मैंने यहाँ पे $5,000 का ट्रेड ओपन करा, और सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे से ये हो गई कि मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन ही चेंज नहीं करा, एक मिनट का ही सेट हो गया यार। एनीवेज देखते हैं कि क्या होता है, अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर भाई बल्ले बल्ले, और नहीं तो फिर रोले रोले हो जाएगा, लेट्स सी गाइस। वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके एंड प्रे करो यार, अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट करो कि क्या होगा ये वाला, विन होगा लॉस होगा क्या होगा, जो धक धक होती है ना गाइस वो हो रहा है आज मेरे को, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो गाइस यहाँ पे तो अभी ना लॉस पे है ना प्रॉफिट में, बिकॉज अपने को यहाँ पे $4,000 का, एंड उसको छोड़कर गाइस यहाँ पे $1,000 का, मतलब कि अपने को $5,000 का लॉस हुआ, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पे अपन ने कवर कितना किया, अपन ने कवर किया गाइस सिर्फ $5,000 के लिए, अपने को कुछ ट्रेड्स और ओपन करनी पड़ेंगी, एंड मैं सोच रहा हूँ गाइस कि मैं एक मिनट की ही ट्रेड ओपन कर लूँ, थोड़ा सा रिस्क लेके आप लोगों के लिए, ताकि मैं इसे कवर करके दिखा दूँ। सो यहाँ पे गाइस मैंने $500 का ट्रेड ओपन करा है, देखते हैं कि क्या होता है। ये तो गाइस बेवकूफ़ी टाइप से ट्रेड ओपन कर दिया मैंने, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा
बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में, बट देखते हैं गाइस क्या होता है। ओके, आई थिंक आप लोग को स्ट्रेटजी समझ आया होगा गाइस, एंड मैं आपको फिर से कंफर्म कर दूं, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया, आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो गाइस कि सर हमें इस वीडियो का ये समझ नहीं आया, आप प्लीज जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टाइम का और हमें सेंड कर दीजिएगा। ओके गाइस, हम आप लोग को बता देंगे। तो ज़िगज़ैग पैराबोलिक का कंफर्मेशन क्लियर है गाइस आप लोग को, थर्ड कंफर्मेशन है गाइस हमारा ये वाली लाइन 17 एंड ये वाली लाइन 13, क्योंकि गाइस जरूरी नहीं कि मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूं उस टाइम मेरे हिसाब से मार्केट चले। ओके, आप क्या कर सकते हो गाइस, जब मार्केट इस लेवल पे आ जाए 70 के लेवल पे, देन आप वहां पे ट्रेड ओपन कर सकते हो डाउनवर्ड के लिए 3 मिनट की। ठीक है, मैं चेक करता हूं गाइस, मैं फुल कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां से ढूंढ पाऊं आप लोगों के लिए, अगर मिल जाता है तो फिर मैं जरूर से वहां पे आप लोगों को ट्रेड ओपन करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी श्योर हो जाओ। यहां पे गाइस इसने 50 के लेवल को क्रॉस कर दिया नहीं है, करने वाला है, तो यहां से अपन ट्रेड ओपन करें 1 मिनट के लिए, और यहां से गाइस हमने $2000 का ट्रेड ओपन करा है, 1 मिनट का हमने टाइम सेट किया हुआ है। अब चेक करते हैं कि क्या होता है, अगर अपना हिसाब से चलेगा तो फिर यहां पे ज़िगज़ैग कैंडल दोनों का फॉर्म बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो जैसे कि आप यहां पे चेक कर पा रहे हैं दोनों का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो स्ट्रांग है, और लेट्स सी ओके। सो गाइस जो हमारा थर्ड का जो RSI का जो थर्ड कंफर्मेशन है गाइस वो मैंने इसी की बदौलत मैंने आपको आप लोगों को दो ट्रेड ओपन करके दिखा दी। जो हमने सेकंड ट्रेड ओपन करी थी गाइस उस पर भी हमने 50 को क्रॉस होने दिया था, और जो अभी हमने जो ट्रेड लिया गाइस उस पर भी हमने 50 को क्रॉस होने दिया। अब आप चेक कर सकते हो इसकी एक्यूरेसी क्या है, एंड गाइस आप लोग सबसे पहले तो डेमो में प्रैक्टिस करना। ओके, ऑल ट्रेडर्स को मैं यही सजेशन दे रहा हूं कि आप सबसे पहले तो डेमो में प्रैक्टिस करो, डेमो में प्रैक्टिस करने के बाद आप रियल अमाउंट पे जा सकते हो। ओके, सो हो गया गाइस हमारा लगभग $1000 का प्रॉफिट हो गया। हमने यहाँ पे कुछ लॉस भी किए थे, बड़ी ट्रेड थे, बट अगेन एंड अगेन हमारे पास जो मनी मैनेजमेंट का जो कोर्स है गाइस उसकी बदौलत, एंड जो हमारे पास कैपिटल है गाइस उसकी बदौलत हमने यहाँ पे एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर लिया, समथिंग $1000 का। एंड OTC मार्केट में मैं कभी भी किसी को भी प्रिफर नहीं कर रहा कि आप ट्रेड्स ओपन करो, ठीक है ना, और ट्रेड ओपन करने से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर लीजिया करो, क्योंकि यहाँ पे इसने अगेन एंड अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही फॉलो किया है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखा करो। ओके, वापिस से बोल दूं, कभी भी अपने मन मतलब अपना सोच लेते हो ना कि भाई यहाँ से ये जा रहा है तो नेक्स्ट कैंडल ऐसा होगा, फिर आप उसी की बदौलत ट्रेड ओपन कर देते हो। कई यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपका मन जो कर रहा है, जैसे कि अगर आपको डाउन क्लियर लग रहा है तो डाउन के लिए ट्रेड ओपन कर दो, भाई ये गलत है। ओके, आप यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए हो। ट्रेडिंग को पहले प्रॉपर सीख लो कि किस प्रकार से ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे ट्रेड्स कर रहे हो, आप खुद सोचो कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो अप क्यों जा रहा है, डाउन क्यों जा रहा है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो सिंपली सा आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे गाइस आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ पे इसकी ऑल डिटेल्स रीड कर सकते हो कि ये मार्केट क्या क्या कैसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो ये बहुत अच्छा फीचर है ऑलम ट्रेड पे, तो इसे जरूर आप लोग ज्वाइन करो और इसे जरूर आप लोग चेक करो, ठीक है। और किसी भी ब्रोकर मतलब गाइस कई लोग क्या करते हैं कि ये ब्रोकर अच्छी नहीं है, इसकी सर्विस अच्छी नहीं है, यहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि भाई ये तो उससे बुरी एप्लीकेशन है। तो कभी भी जिस ब्रोकर में हो गाइस उसी ब्रोकर पे काम करो, ऐसा नहीं कि वो बंदा उसके ऊपर वीडियो बना रहा है तो मैं उस पर काम करता हूँ, नो, आपको ब्रोकर चेंज करने की जरूरत नहीं। आप जिस भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो उसके साथ ही ट्रेड्स करो, ताकि आप लोग को उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में पहले से ही पता हो, प्लस आप लोग को उसके प्लस एंड माइनस के बारे में पता हो। मुझे इसका प्लस तो ये सबसे बड़ा प्लस है गाइस कि अगर आप दिन में 4 बार भी विड्रॉल लोगे ऑलम ट्रेड से तो ये आपको विड्रॉल देती है, ठीक है, कभी भी ऑलम ट्रेड इशू क्रिएट नहीं करती। लेकिन अभी बीच में इशू क्रिएट हुआ था, जो कि अभी शॉर्ट आउट कर दिया गया है ऑलम ट्रेड वालों की तरफ से। ओके, सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो पे मजा आया होगा और सीखने को मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और कौन कहां कहां से ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। अपना एक्सपीरियंस भी आप मुझे कमेंट पे शेयर कर सकते हो कि आपको कितना साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए, कितने ईयर से आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अभी तक आपने टोटल कितना यहां से अमाउंट प्रॉफिट किया है। बाकी किसी को पर्सनल कन्वर्सेशन करनी है लाइक ऑलम ट्रेड के कुछ स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, या फिर आपको किसी भी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, उसका लिंक मैंने कमेंट पे एंड डिस्क्रिप्शन पे और डिस्प्ले पे उसका यूज़र आईडी शो करवा दिया, तो आप वहाँ से जाके हमें मैसेज कर सकते हो।
ऑल ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो प्लीज़ आप लोग किसी भी वेबसाइट में जाके हमें सर्च ना करें, बिकॉज फेक आईडीज बहुत सारी बन चुके हैं, तो आप उससे थोड़ा अवेयर रहें। बाकी गाइस इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।